एक आखिरी अहम बात कहूंगा कि आज यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट आंकड़ा है जुलाई का, वो आने वाला है और ये मार्केट के लिए बाइनरी है अनिल जी। जो ये गुड न्यूज इज बैड न्यूज इज गुड न्यूज का माहौल है, अगर वो आंकड़ा ज्यादा आया उम्मीद से तो मार्केट्स में करेक्शन की एक गुंजाइश है, अगर वो आंकड़ा कम रहता है तो मार्केट्स तेजी से भागेंगे कि फेड टेपर करने में इतना आसान नहीं देखेगा, एटलीस्ट 1-2 महीने की मोहलत मिल जाती है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए आज का यूएस का एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा। ये तो आरबीआई में शक्तिकांत दास जी ने डिलीवर कर दिया जो मार्केट्स को चाहिए था। अब मार्केट्स अमेरिका की तरफ देखेंगे। कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वो जॉब रिपोर्ट आनी है, बहुत ही वाइल्ड हो सकती है वो। हालांकि उसके जो दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो पहले आ चुके हैं, एक एक प्राइवेट जॉब का आया था जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और दूसरा एक आया कि ले ऑफ्स जो है, छटनी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बहुत ही कम हुआ है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ओवरऑल रिपोर्ट आने वाली है आज शाम को वो अच्छी होगी। लेकिन कोविड पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में वो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। वहाँ पे अमेज़ॉन कह रहा सब लोग घर से काम करेंगे, हमारे कई और कंपनीज ने अभी टाल दिया है ऑफिस बुलाने का इरादा। तो उससे ओवरऑल जॉब रिपोर्ट जो है वो क्या रुख लेती है, किस तरह की लेती है, और उस जॉब रिपोर्ट के अंदर ये देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स क्या है, कितनी सैलरीज पे मिल रही है, कितने टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट को इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, उससे पहले उसने एक शानदार रैली करके दिखा दी है। रीज़न वही ठोस कारण है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं, आगे ग्रोथ की उम्मीद लोगों को लग रही है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में कॉशस मोड रखना चाहिए, और वही देखते हुए फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे यूएस के, वो सारे नीचे हैं। तो इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जॉब रिपोर्ट का इंतजार, हर चीज़ बड़ी इवेंट से पहले लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं।